एवेन्यू सुपर मार्ट का स्टॉक क्यों गिरा आज शुरुआत में सुबह जब मार्केट ओपनिंग हुई थी अराउंड फाइव परसेंट स्टॉक नीचे था बट नाउ दिस स्टॉक इज डाउन बाय अराउंड टू परसेंट तो ऐसा क्या हो गया है उसी के बारे में आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं दोस्तों उससे पहले एक अनाउंसमेंट है पुणे में ट्वेंटी एथ ऑफ अक्टूबर को हम एक सेशन लेने वाले हैं फाइनेंशियल प्लानिंग फाइनेंशियल गोल्स एंड प्लानिंग एंड कैलकुलेशन इसी पे वो सेशन रहेगा एंड हाउ टू अचीव दोज फाइनेंशियल गोल्स इस पर पूरा डिस्कशन रहने वाला है तो उस सेशन की सीट अगर आप लोगों को बुक करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपने लिंक दी हुई है प्लीज उस पर जाकर आपकी सीट बुक कीजिएगा दोस्तों मात्र रुपीस का कॉस्ट रहेगा जिसमें लंच भी रहेगा एंड क्वेश्चन आंसर सेशन भी रहेगा उसके बाद सो आई थिंक इट वी यू विल रियली एंजॉय एंड वी गेट अ वेरी गुड फीडबैक अबाउट दीज अब uh, बात करते हैं एवेन्यू सुपरमार्ट के बारे में डिमार्ट so, uh, के बारे में सो फाइनली जो करेक्शन के नंबर्स है वो और यहाँ पे ज्यादा बढ़ते हुए दिख रहे हैं एज एक्सपेक्टेड

प्लस के पी के हिसाब से ये नंबर्स इतने स्ट्रांग नहीं है so ना के के so uh, so कही कहीं कॉन्ट्रैक्ट होते हुए नजर आ रहे सबसे इंपॉर्टेंट नंबर जो होता है वो एबिटा का नंबर होता है सो एबिटा नंबर इज अप बाई ट्वेल्व पॉइंट सेवन परसेंट बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर दिस नंबर हैज गॉन डाउन बाय 2.9 परसेंट तो ये सारे जो नंबर्स अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे तो मार्जिन कॉन्ट्रेक्शन सीधा सीधा हमें यहाँ पे नजर आता है सो करंट क्वार्टर्स मार्जिन एबिटा मार्जिन आर एट एट परसेंट लास्ट ईयर सेम क्वार्टर द एबिटा मार्जिन वर 8.4 पॉइंट लास्ट क्वार्टर दैट इज क्यू वन में दिटा एबिटा एट वर सेवन यानी कि 70 बेसिस पॉइंट से क्वार्टर ऑन क्वार्टर कॉन्ट्रेक्शन हुआ है मार्जिन में एंड ईयर ऑन ईयर इट इज डाउन बाय 40 बेसिस पॉइंट एंड दैट्स व्हाई प्रॉफिट बिफोर टैक्स के नंबर्स की अगर हम बात करते सो दीज नंबर्स आर एट 852 करोड़ रुपीस ईयर ऑन ईयर दो इट इज अप बाय 13.9 परसेंट बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर इट इज डाउन बाय 5.1 परसेंट तो यहां लास्ट ईयर अगर नेट प्रॉफिट के नंबर्स की अगर हम बात कर दे सो नेट प्रॉफिट नंबर्स आर आल्सो डाउन ओवर ईयर सिक्स ट्वेंटी थ्री करोड़ रुपीज का नेट प्रॉफिट का नंबर यहां पे हमें नजर आ रहा है सो व्हाट इज मेन रीजन बिहाइंड की ये

प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज अराउंड ट्वेंटी सेवन परसेंट एंड दैट वाई द मार्जिन नेट प्रॉफिट मार्जिन दिस शुड नॉट बी द रीजन फॉर स्टॉक फॉल द मेजर रीजन फॉर स्टॉक फॉल इज एबिटा मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन और एबिटा मार्जिन क्यों ज्यादा था पहले जो अब यहां पे घट रहा है इसके बारे में पहले समझते हैं सो फूड्स ये जो सेगमेंट है जिसमें ग्रॉसरीज डेयरी स्टेपल, स्नैक्स फ्रोजन प्रोडक्ट्स प्रोसेस्ड फूड बिवरेजेस Fruits and vegetables and uh, cooking oils, these are the factors segments. So that food segment has, the revenue contribution hai, it has gone up from 54.75 percent in H1 Fi 23 to 56.18 percent in H1. Uh, FI 24. So year on year, uh, in first half of this financial year, the uh, contribution from the, uh, the this segment, food segment, which low margin segment, hai, we, uh, has gone up by almost 1.5 percent. अगर नॉन फूड एफ सेगमेंट की बात करते हैं सो दैट इज अराउंड लास्ट ईयर सेम हाफ ईयर में इट वाज एट 20.50 परसेंट नाउ इट इज एट 20.61 परसेंट यहां पे थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ है नॉन फूड्स एफ में क्या क्या आता है होम केयर पर्सनल केयर टॉयलेटरीज एंड अदर ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स है जो ये नॉन फूड्स एफ में आते हैं अब जो सबसे ज्यादा मार्जिन का कंट्रीब्यूटर है जो सेगमेंट है वो है जनरल मर्चेंडाइज एंड एंडल जिसमें बेड एंड बाथ टॉयज़ एंड गेम्स क्रॉकरी प्लास्टिक फूड्स गारमेंट्स फुटवेयर होम अप्लायसेस ये सेगमेंट आता है तो ये इसका जो कंट्रीब्यूशन है रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन इट हैज गॉन डाउन फ्रॉम 24.75 परसेंट टू 23.21 परसेंट तो यही वो सेगमेंट है जो सबसे ज्यादा मार्जिन कंट्रीब्यूट कर रहा था वो सबसे यहां पे रिवेन्यू कंट्रीब्यूशन में सबसे नीचे जा चुका है ऑब्वियसली देर कुड बी रीजन फॉर कि नए स्टोर्स यहां पे एडिशन हो रहा है सो दैट इज आल्सो नाइन स्टोर्स उन्होंने इस क्वार्टर में ऐड किए सो ऑब्वियसली वहां पर ये नॉट डिस्क्रिशनरी प्रोडक्ट्स का सेलिंग ज्यादा नहीं होता है सो दैट कुड बी वन ऑफ द रीजन एंड धीरे धीरे कहीं ना कहीं ये इनको बढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी है सेम सेल्स का जो सेम स्टोर सेल्स का जो ग्रोथ है दोज नंबर्स ऑल्सो नीड टू इम्प्रूव नए स्टोर एडिशन अगर होते रहेंगे तो वहाँ पे प्रेशर जो है कंपनी के नंबर्स पे ये बना रहेगा सी आई थिंक इफ यू आर यू वांट टू प्ले दिस ऑर्गेनाइज रिटेल इन्वेस्टमेंट थीम फॉर लॉन्ग टर्म आई थिंक इट कैन टेस्ट योर पेशेंस बिकॉज Uh, जो एक एक्स्ट्रा प्रीमियम नेस मिलना था ये ऑलरेडी मिल चुका है इस सेक्टर को नए प्लेयर्स आर गेटिंग लिस्टेड uh, और विल गेट लिस्टेड रिलायंस रिटेल जैसा प्लेयर ऑब्वियसली so uh, जो एक स्केयर सिटी प्रीमियम मिला था इसको वो कहीं ना कहीं दूर होता हुआ लग रहा है एंड दैट्स वाई म्यूटेड परफॉर्मेंस का जो फेज है वो यहाँ से आगे चल सकता है सो यू नीड टू बी रेडी फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग ये भी आपने यहाँ पे याद रखना होगा बट अर्निंग विजिबिलिटी एंड ग्रोथ पोटेंशियल के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी लॉन्ग टर्म चलने वाला ये सेक्टर है जिसका ये एक बहुत ही मजबूत प्लेयर एवेन्यू सुपर है बट पेशेंस टेस्टिंग यहाँ पे हो सकती है सो इसीलिए एडवाइजर को पूछ के ही इन्वेस्टमेंट के डिसीजन आपने लेने चाहिए और इफ यू वॉन्ट टू नो वेदर एवेन्यू सुपर इज अ पार्ट ऑफ आवर प्रोडक्ट और नॉट यानी कि मॉडल पोर्टफोलियोस तो आप हमारे इन्वेस्ट इंद्र डॉट इन वेबसाइट को विजिट कर सकते हो नवरात्रि भी चल रही है नवरात्रि ये प्रोमो कोड यूज कीजिए फिफ्टी परसेंट का डिस्काउंट इज ऑल्सो अवेलेबल कॉम्बो ऑफर्स या तीन साल के सब्सक्रिप्शन के लिए अगर आप जाओगे देन द डिस्काउंट्स वुड बी ऑन अ अइयर साइड आशा करूंगा आप इन्वेस्ट इंडिया डॉट इन को जरूर विजिट करोगे एंड इफ यू नीड एनी हेल्प इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट या फिर इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी या फिर इन्वेस्टमेंट एक्जीक्यूशन यू कैन कॉन्टैक्ट आर रिलेशनशिप सेल वी विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू ऑन दैट फ्रंट ऑल्सो कॉन्टैक्ट डिटेल्स आर अवेलेबल ऑन आर वेबसाइट इनवेस्ट एन डॉट इन ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए वीडियो को लाइक करना शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जय हिंद